ये वाला पैलेस और इसके पीछे ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तीन चार दिन अगर है आपके पास में तो आप बहुत सस्ते में घूम सकते हो सिटी में। ग्रीन लाइन वाली बस पकड़ के थोड़ी देर में आने वाली है, वो पकड़ के मैं जाऊंगा ग्रैंड मॉस्क। वो मेरा आज का यहाँ का आखिरी अट्रैक्शन रहेगा। तो भाई मेरा अबू धाबी का सेकंड लास्ट अट्रैक्शन अल हुस्न फोर्ट। कैब भूल गया भाई मैं बस में, हर बार कुछ ना कुछ भूल ही जाता हूँ। अभी ऊपर बैठा था तो उड़ गई होंगी वो कैब। खैर छोड़ो, जाने दो। अब ये मेरे बाल दिख जाएंगे ना आपको, इतने घने काले बाल, नज़र लग जाती है लोगों की, इसके लिए मैं कैब पहने रखता हूँ। ठीक है, चलिए दिखाता हूँ आपको ये सेकंड लास्ट अट्रैक्शन अल हुस्न। अल हुस्न या हुस्न क्या है पता नहीं, फोर्ट। ये देखिए, ये ऐसा कुछ छोटा सा फोर्ट है और ये फोर्ट के साथ साथ में ये देखिए बड़ा सा ये स्क्वायर है बीच में, और आजू बाजू में ये बिल्डिंग्स देखिए बॉस, ये खास है। और ये वाली बिल्डिंग देखिए जनाब, ये मेरे ख्याल से WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होना चाहिए। ये देखिए, चलिए चलते हैं। ये थोड़ा फटाफट मुझे ये देखना पड़ेगा ये वाला अट्रैक्शन अल हुस्न फोर्ट, क्योंकि इसके बाद वाली बस पकड़ के मुझे डायरेक्टली फिर से जहाँ से शुरू किया था वो अबू धाबी मॉल वहाँ पहुँचना है। वहाँ से 4 बजे लास्ट वाली बस जाएगी ग्रैंड मॉस्क के लिए, जो कि मेजर अट्रैक्शन है अबू धाबी का। बड़े बड़े फोर्ट्स हैं इंडिया में, लेकिन खैर यहाँ तक आए हैं, कुछ ट्रेडिशनल दिख रहा है इनका अट्रैक्शन तो देख लेना चाहिए। थोड़ा समय है मेरे पास। तो भाई मसला ऐसा है कि यहाँ पे मुझे लेना पड़ा टिकट। अब मैं बड़े डेयरिंग के साथ अंदर घुस गया था तो ले लिया, चलो कोई बात नहीं। ये वही बस सब म्यूज़ियम टाइप है यहाँ पे, थोड़ा फटाफट देखना पड़ेगा, टाइम कम है मेरे पास। यहाँ के पुराने कोई होंगे ये राजा महाराजा। अभी जहाँ गए थे ना वो म्यूज़ियम टाइप बनाया हुआ था, और यह है पैलेस। ये बढ़िया है, उस ज़माने का आर्किटेक्चर देखिए। ये जो है ना ऐसा, आपने मेरी अगर कतार सीरीज़ देखी होगी तो उसमें जो सोक वाकिफ था, जो मार्केट था पुराना, कतार सीरीज़ का मेरा या फर्स्ट या सेकंड या थर्ड वीडियो होगा, ज़रूर देखिए आप। सोक वाकिफ मार्केट जो था ना वो सेम इसी तरह का था। भाई हमारे राजस्थान में आकर एक बार देखो पैलेस, आपको समझ में आएगा पैलेस क्या चीज़ होती है। हालांकि ये मेंटेन बहुत बढ़िया किया हुआ है। ये देखो भाई, अब ट्रेडिशन और मॉडर्नाइजेशन, इसका जो अनोखा मेल है, ये वाला पैलेस और इसके पीछे ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। इधर ऊपर स्टेयर्स जा रही है, देखते हैं ऊपर क्या है। तो चलो ऐसा है ये हिसाब किताब इस पैलेस का। अब यहाँ मैं घुस गया तो खाली पी लिए, 650 रुपये का मुझे फटका बैठ गया, 30 दिरहम का टिकट निकालना पड़ा। तो भाई मैं आ चुका हूँ वापस
अबू धाबी मॉल मॉल के सामने, जहाँ से मैंने ये बिग बस अबू धाबी की बस लिया था। थोड़ा भागते दौड़ते हो गया ये टूर सिटी का, लेकिन अब क्या करेंगे भाई, एक दिन रुकना है तो फिर कोई ऑप्शन भी नहीं है उसके लिए दूसरा। और ख़ास बात ये है कि जो अट्रैक्शंस है वो सबके सब देखना चाहिए ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन जनरली मुझे सिस्टम समझ के लेना था कि कैसा सिस्टम होता है, अगर आप यहाँ आते हैं तो कैसे घूमना चाहिए। बहुत सारी जानकारी भी मिली कि सस्ते में भी और कैसे घूम सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपके पास में समय होना चाहिए। 3-4 दिन अगर है आपके पास में तो आप बहुत सस्ते में घूम सकते हो सिटी में। फिर ये वाली हॉप ऑन हॉप ऑफ बस करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप जो सिटी बस होती है उससे भी घूम सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये देखिए ये वाला जो है ना, ये है अबू धाबी मॉल। तो इस मॉल में ही कहीं पे वो सिटी बस वाला जो पास होता है ना वो मिलता है, और वो लेके आप काफ़ी सस्ते में सिटी घूम सकते हो। या फिर जो छोटी बैटरी वाली बाइसिकल होती है ना, बच्चों वाली जो होती है ना, उस पर खड़े रह के जाना पड़ता है, सीट नहीं होती है बैठने के लिए, खड़े रहना पड़ता है उस पर प्लेटफॉर्म पे, वो वाली भी मिलती है। उसका कोई ऐप होता है, वो जो बाइसिकल है वो बाइसिकल पे डिटेल्स सब लिखे हुए होते हैं, उस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, उस पर पेमेंट कीजिए, उसका अपने आप उसका लॉक ओपन हो जाएगा, और फिर वो वाली बाइक लेके आप घूम सकते हैं सिटी में। उसके लिए पर्टिकुलर ऐसा फुटपाथ के साइड में उसके लिए रास्ते बने हुए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी ग्रीन लाइन वाली बस पकड़ के थोड़ी देर में आने वाली है, वो पकड़ के मैं जाऊंगा ग्रैंड मॉस्क। वो मेरा आज का यहाँ का आखिरी अट्रैक्शन रहेगा, और फिर उसके बाद में देखते हैं क्या प्लान बनता है। तो सुबह से एक मफिन पे हूँ मैं, थोड़ा बहुत मेरे पास में था कुछ घर से लाए हुए लड्डू वड्डू, वो सुबह थोड़े खा लिए थे, अब रात को सीधे कहीं किसी इंडियन रेस्टोरेंट में जाके या फिर लोकल जो फूड होता है अरबी फूड वो भी ट्राई करूँगा, देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है। तो एक्चुअली मुझसे एक गलती ऐसी हो गई है कि मैंने जो होटल चूज़ किया है ना, थोड़ा इधर आता हूँ, गाड़ी की आवाज़ बहुत आ रही है, थोड़ी मैंने एक गलती ऐसी कर दी है कि मैंने जो होटल चूज़ किया है वो काफ़ी दूर है। अभी जो हम लोग यहाँ पे जहाँ पे है ये अबू धाबी मॉल और ये सब एरिया, ये एक्चुअली इसको सिटी सेंटर बोल सकते हैं, तो इसके आसपास में अगर होटल होती थी तो मुझे यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह सब कुछ मिल जाता था। लेकिन भाई दूसरी बात ये भी है कि यहाँ होटल्स बहुत ज़्यादा महंगी है। मेरे होटल का ही टेरिफ 3,500 रुपये पर नाइट है, 7,000 रुपये लग गए मुझे दो नाइट के, जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया। और इस एरिया में तो भाई पता नहीं, मुझे नहीं लगता 8-9 हज़ार पर नाइट के नीचे होटल होगी यहाँ पे। तो ठीक है, आपका बजट कितना है इसके हिसाब से आप तय कर सकते हैं। बाकी अबू धाबी ओवरऑल, अबू धाबी का फर्स्ट इम्प्रेशन ऐसा है कि अबू धाबी अच्छा है, महंगा है थोड़ा, लेकिन थोड़ा प्लानिंग से करें, स्टडी करके करें तो रिजनेबल भी हो सकता है, और कम से कम 3 दिन आपने अबू धाबी में देने चाहिए तो आपको मज़ा आएगा अबू धाबी देखने का। अरे हाँ, दूसरी बात, एक तो आपको मेन बात बतानी की रह गई भाई, कैप मिल गई वापस, कैप मैं भूल गया था बस में, उस बंदे ने ड्राइवर ने वो कैप यहाँ, वो जो बंदी थी सुबह जिसके पास मैंने टिकट लिया था ये बस का, उसके पास ला के रख दी थी। और आके मैं मुझे ऐसा लगा ही था कि शायद वो यहाँ पे रख देगा, तो मेरा अंदाज़ा सही निकला, वो लड़की ने मुझे वो कैप दे दी है वापस, बढ़िया काम हो गया, इसको कहते हैं ईमानदारी, गुड। चलिए
मॉस्क देखने के बाद में मैं होटल की रूम में वापस आ गया था। दिन भर घूमा हूँ तो पैरों में काफ़ी दर्द हो रहा था। एक डेढ़ घंटा आराम किया, अभी सुबह से खाना भी नहीं खाया है। सुबह कुछ ब्रेकफास्ट किया था और दोपहर में वो एक खाया ना क्या मफिन, बस उसी के भरोसे चलता रहा दिन भर प्रोग्राम सब। तो अभी भूख भी लगी है। मेरा जो होटल है जहाँ मैं रुका हूँ अल जज़ीरा, वो होटल के आसपास में जो रेस्टोरेंट्स है ना वो बिल्कुल ही ऐसा आप समझिए कि पुअर क्वालिटी ही कह सकते हैं। ऐसा रोड साइड जो होता है ना टपरी टाइप बोलते हैं ना वैसा था, तो बिल्कुल वहाँ खाना नहीं खा सकते इस टाइप में। तो फिर से मुझे टैक्सी करके आना पड़ा है सिटी में, सिटी सेंटर में। यहाँ पे ये एक मोती महल करके इंडियन रेस्टोरेंट है, यहाँ पे मैं खाना खा लेता हूँ क्योंकि उसके कल कजाकिस्तान जाने के बाद में इंडियन खाना मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी वाली बात नहीं है। तो ये जो मोती महल रेस्टोरेंट है इसका मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ। ये अबू धाबी मॉल और यहाँ पे ये रेड कलर का बोर्ड आपको दिख रहा होगा, ये मोती महल इंडियन रेस्टोरेंट। चलिए चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं खाना कैसा मिलता है। तो भाई खाना खा लिया मोती महल होटल में, एक पालक पनीर, दो रोटी, एक पापड़ और एक पानी का बॉटल। बिल हुआ 40 दिरहम, 800-850 रुपये के करीब। ठीक है उतना तो होगा ही कम से कम भाई अबू धाबी में, मुझे तो ज़्यादा एक्सपेक्टेड था लेकिन ठीक ठाक हुआ। फिर कल सुबह तो कुछ प्लान नहीं है कहीं जाने का, क्योंकि वैसे भी 1:30 बजे की फ्लाइट है तो 10:30 बजे मुझे वहाँ एयरपोर्ट पहुँचना पड़ेगा। सुबह आराम से उठ के नहा धो के तैयार होकर सीधे एयरपोर्ट चला जाऊँगा। तो ठीक है आपकी मेरी मुलाकात होंगी अब कल सुबह डायरेक्टली, तब तक के लिए अ वेरी गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।